राजस्थान में पिछले कुछ समय से ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला गरमाया हुआ था और उसको लेकर कई प्रकार के बयान हम लोगों को सुनने को और देखने को मिले, जिसके बाद गत दिनों ओबीसी आरक्षण बहाल हो गया और उसके बाद इस पूरे मुद्दे को प्रखरता से उठाने वाले पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी सहित तमाम राजस्थान भर के जो नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था उन सभी ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ऐसे में जब से ये मुद्दा ओबीसी आरक्षण विसंगति का उठा था तो एक युवा नेता राजेंद्र चौधरी भी इस हर कार्यक्रम में और हर जब इस मुद्दे को लेकर जहां बात होती थी तो वो हमेशा साथ देखते थे। आज हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर वो मुद्दा जो है वो क्या था, सब लोगों को पता है हालांकि उस बात को लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब अब ओबीसी आरक्षण बहाल हो गया है तो इससे क्या फायदा प्रदेश के ओबीसी वर्ग को मिलने वाला है। राजेंद्र जी, लंबी लड़ाई थी ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर, आखिरकार आप जंग जीत गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो तमाम ओबीसी वर्ग के मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले ओबीसी ही नहीं, समस्त आरक्षित वर्गों को, जो सामाजिक आधार पर हो चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, उन सभी साथियों को एक विसंगति। भूतपूर्व सैनिक भाई हैं जो भी इस चीज से पीड़ित थे, लेकिन किसी ने बैठ के इस चीज को समझना नहीं चाहा। मुझे याद है अप्रैल, इसी साल के अप्रैल महीने में कुछ साथी आए थे, पीड़ित साथी थे, मेरे ही भाई थे, जिन्होंने मुझे बात करी, खुमाराम जैसे कई साथी थे बाड़मेर के ही, जो पटवारी भर्ती में और पिछड़ गए थे, उन्होंने जब इस बारे में पता किया तो जयपुर में भी कुछ साथी थे, योगेश, मोहसिन, एक जैसलमेर के हिंगलाज दान चारण, इस तरीके के साथी थे जो पीड़ित थे, जिन्होंने इस बारे में बताया। तब से ये लड़ाई शुरू करी, नेताओं के पास गए, हरीश चौधरी जी से शुरुआत करी, राजा राम जी मील, कर्ण सिंह यादव जैसे संरक्षकों का साथ मिला, यहाँ के स्थानियों का साथ मिला और सब लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। जगह जगह जन आंदोलन किए गए, जन जागृति के आंदोलन किए गए, तमाम युवाओं ने, सरकारी कर्मचारियों ने, बुजुर्गणों ने, नेताओं ने, सबने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा, साथ दिया और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई शायद किसी एक वर्ग के द्वारा, कोई जातिगत नहीं, संपूर्ण वर्ग द्वारा अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी गई हो, वो लड़ाई अंजाम तक पहुंची। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं कुछ और सवाल भी करूंगा। कुछ लोग इस ओबीसी आरक्षण बहाल को लेकर विरोध भी कर रहे हैं और इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, आरएलपी के नेता हैं, ऐसे अन्य नेताओं के भी, दूसरी पार्टियों के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने, सभी ने संघर्ष, हालांकि वो सवाल बाद में पूछूंगा। उससे पहले मेरा सवाल है कि ओबीसी आरक्षण विसंगति का जो मामला था वो अपने आप में किस तरीके से, क्या उस समय था और अब क्या हो गया? देखिए, पहले ऐसा था, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है 12.5%, उसको जो देने का सिस्टम था वो सही नहीं था, जिससे क्या होता था कि कुछ कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक पिछड़ जाते थे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी के युवा जो बेरोजगार है वो पिछड़ जाते थे। तो कहने का मतलब, ये जो व्यवस्था पिछली बार की गई थी अप्रैल 2018 के अंदर, वो ऐसी करी गई थी, सारे वर्ग प्रभावित हो रहे थे। अच्छा, अब क्या, क्या अब जो प्रावधान किया गया, इससे क्या होगा कि 36% जो अनारक्षित सीटें होती है उसके अंदर भी एक्स सर्विसमैन को मौका मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था, केवल कैटेगरी में मिलता था, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, इसमें मिलता था, प्लस अनारक्षित के साथ में कैटेगरी वाइज भी 12.5% मिलेगा, जिससे हर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन को मौका मिलेगा और उन कैटेगरीज के युवाओं के साथ में भी धोखा नहीं होगा। अच्छा, जब ये आरक्षित, आप कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण का जो विसंगति कह रहे हैं, जब ये हुआ था 2018 में, आपने बताया उस समय जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको तो कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा था, तो अब वो आपसे नाराज नहीं है कि भी आप ये हो गया, ये हमारे साथ गलत हुआ? देखिए, अगर इसको बैठ करके कोई समझना चाहे तो कोई भी संशय नहीं रहेगा। आज से 4 दिन पहले कुछ भूतपूर्व सैनिक आए, सॉरी 4 दिन, 2 दिन पहले भूतपूर्व सैनिक आए थे हरीश चौधरी जी के आवास पर, हम भी उस समय वहीं मौजूद थे, तो उनको ये लगा कि हमारे साथ कुछ गलत है, लेकिन जब उन्होंने बैठ के इस बात को समझा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शायद वो 3 लोग आए थे तो वो उनकी हो सकता है पीड़ा हो या क्या सोच के आए हो, क्योंकि जब ये लड़ाई चल रही थी तो हर तरीके के सोच के लोग इसके अंदर आए, किसी ने साथ देने की कोशिश करी, किसी ने विरोध करने की कोशिश करी, किसी ने साथ रह करके ऐसी चीजें बरगलाने की कोशिश करी कि इसके अंदर विरोध पैदा किया जाए, जातिगत लड़ाइयों की कोशिश की गई, जबकि आरक्षण किसी एक जाति का नहीं है, वर्गों में होता है। अच्छा, अब आखिरकार आप ने जंग जीत ली है, किस तरीके से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद ही निर्णय हुआ, क्या कहना चाहेंगे जो इस संघर्ष समिति से जुड़े थे लोग? हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने भी मन बेमन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया, उस हर किसी को धन्यवाद, चाहे वो कोई हो, और जिस नेता ने भी हमारी इसमें मजबूत पैरोकारी करी, तो मैं
बाकी सबसे भी ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं नेता को देख करके सीख करके वो भी आगे आकर के हमेशा इन युवाओं के साथ में खड़े रहे, ताकि युवाओं को ये लगे कि कम से कम हमारा भी कहीं नेतृत्व है। अच्छा, जब ये बहाल नहीं हुआ था उससे पहले नेता जो कांग्रेस के हैं भाई तो विधायक हरीश चौधरी, उनके जो तेवर हैं वो मुख्यमंत्री से नाराजगी के दिख रहे थे। बिल्कुल उनकी वाजिब मांग थी, उनके जो तेवर थे वो बिल्कुल सही थे। कब तक युवा पीड़ित होता, आप ये पिछले अप्रैल से देख लीजिए, कितने महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, कितनी बार मुख्यमंत्री जी से स्वयं से बैठक हुई है, कितनी बार अधिकारियों से बैठक हुई है, उन सभी बैठकों में किसी के पास ये तर्क नहीं था कि हमारी बात गलत है। उसके बावजूद इतना लेट करवाना, युवाओं के साथ गलत ही हो रहा है, भर्ती में भर्ती आ रही है, प्रक्रियाधीन भर्तियों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं, कौन देगा इनको न्याय? अच्छा, अब विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस ओबीसी आरक्षण को बहाल हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए वर्ग नहीं है, वो एक सोच है, वो वर्ग नहीं है। अगर वर्ग के जो समझदार लोग हैं वो सब इस चीज के लिए ताली बजा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन भूतपूर्व सैनिक तक ये मान रहे हैं जिन्होंने इस चीज को बैठ करके समझाए, वो ये मान रहे हैं कि ये सही हुई है। अब कुछ ऐसी सोच होती है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया, चाहे वो जातिगत इसको विवाद डाले या राजनीतिक विवाद में लेके जाए या किसी आगे दौड़ने वाले पर उंगली उठाए कि आप तब कहां थे अब कहां हो, इस तरीके की चीजें कर करके अगर कोई करना चाहे तो वो एक अपनी समाज अपने आसपास के वातावरण का हिस्सा है। अच्छा, आपके संघर्ष में और कौन कौन सा था? हनुमान बेनीवाल जी का भी नाम आ रहा है, कर्नल सोनाराम चौधरी जी का भी नाम आ रहा है, ऐसे कई बीजेपी आरएलपी और कांग्रेस के नेताओं के भी नाम आ रहे हैं कि उन्होंने भी मुद्दा उठाया था प्रखरता से, कौन कौन साथ में? देखिए हमने राजस्थान में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने राजनेता हैं, हम सबके पास में गए और जब किसी ने भी हमारी बैठक मतलब बैठ करके हमारी बात को अगर सुना है ना किसी ने, तो किसी ने भी हमें मना नहीं किया। इवन कर्नल साहब और हनुमान जी नहीं, हम लोग सतीश पूनिया जी के पास में भी गए, बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष, उनके पास में भी ये कहीं तर्क नहीं था कि हमारी मांग गलत है। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टी के पास गए, किसी भी राजनेता ने हमें मना नहीं किया, हमारी बात को नकारा नहीं, तो हम तो सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण बहाली के बाद आज प्रदेश भर में जो इस संघर्ष समिति से जुड़े थे लोग और ओबीसी वर्ग के लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां थी वो दूर हुई है, इसके बाद कई युवाओं को रोजगार में फायदा मिलेगा।